एक गांव में नीलेश नाम का एक मासूम आदमी हुआ करता था। उसे उसकी माँ शारदा आए दिन थोड़े पैसे देती थी। माँ पैसे देते हुए नीलेश से, बेटा तुम ज्यादातर घर में मत रहो, बाहर घूमो, तब तुम्हें लौकिक ज्ञान प्राप्त होगा। शाम तक घर मत आना, इन पैसों से अपने पसंदीदा चीजें खरीद कर खाना। यूँ कहती तो नीलेश, ठीक है माँ, तुम देखते रहो, किसी ना किसी दिन मैं पहाड़ जितना ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को बोरी में भरकर घर आऊंगा, देखते रहना। यूँ कहता शारदा तब, मेरे फूटे कर्म, ज्ञान का मतलब ये कोई चीज है कहकर सोच रहा है, हे भगवान आप ही इसे बचाइए, कहकर सोचती थी। एक बार नीलेश घर से आते ही उसे तंबू नाम का एक गुंडा ने रोका। तंबू तब, क्यों घोचू, आए दिन माँ से पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम एक दिन तो भी तुम अपने माँ को पैसे दुगना करके दिए क्या? छी, तुम कैसे बेटे हो भाई, कहा नीलेश तब। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं माँ को पैसे कमा कर कैसे दूँ, कहा तंबू तब। इसलिए आए दिन उन पैसों से तुम मेरे साथ बेट लगाओ, अगर उसमें जीत गए तो तुम्हें दो गुना पैसे मिलेंगे, ठीक है, कहा नीलेश तब। सुनने में अच्छा है, प्रतियोगिता के लिए मैं तैयार हूँ भाई, कहा तंबू तब। अब हम हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे, तुम्हें उस पेड़ के पीछे जाकर 1 से 10 तक गिनती करना होगा, इसके अंदर मैं जाकर कहीं छिप जाऊंगा, बाद में तुम्हें मुझे ढूंढकर पकड़ना होगा, अगर तुम मुझे पकड़ लिए तो समझो तुम जीत गए, मैं हार गया, अगर नहीं पकड़े तो मैं जीत गया, तुम हारे। वैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पूछा नीलेश तब। आज माँ के दिए पैसे और इससे पहले छिपा कर रखे पैसों को मिलाकर पूरे 2,000 रुपए है भाई, कहा तंबू तब। तो फिर हमारा बेट 2,000 रुपए का है, तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा, इसका मतलब तुम्हारे पास पूरे 4,000 रुपए जमा होंगे, कहा नीलेश तब। हाँ, तो फिर तुम चाहे जहाँ भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, वो पैसे मेरे हो जाएंगे, कहा। ऐसे नीलेश एक पेड़ के पीछे जाकर 1, 2, 3 कहकर गिनने लगा। तभी तंबू एक कचरे के डिब्बे के पास जाकर जानबूझकर नीलेश को दिखे जैसे छिप गया। नीलेश तंबू को ढूंढते हुए, चोर कहाँ पर है, मैं आ रहा हूँ, कहकर उसे ढूंढने लगा। इतने में उसे एक कचरे के डिब्बे के पीछे तंबू दिखाई दिया। नीलेश वहां पर जाकर, चोर मिल गया कहकर पुकारा। नीलेश बाहर आकर, अरे रे, तुमने पुलिस के जैसे पकड़ा है भाई, सच में तुम बहुत महान हो, इस खेल में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, ये लो पैसे, अब क्या कर सकता हूँ, कहकर उसे 2,000 रुपए दिया। नीलेश उन पैसों को लेकर, ऐ मेरी पहली कमाई, कहकर बहुत खुश हुआ। तंबू तब, ठीक है, कल ये हाइड एंड सीक का खेल फिर से खेलेंगे, कल तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मगर इस बार बेट 50,000 रुपए का है, वैसे भी तुम ही जीतोगे ना, पैसे तैयार रखना, कहा। अगले दिन तंबू शारदा से, माँ आज मुझे 50,000 रुपए चाहिए, क्यों और किस लिए कहकर मत पूछना, आपका बेटा लायक बनने जा रहा है कहकर खुश होना, बस, कहा शारदा तब। क्या 50,000 रुपए, ठीक है, घर में छिपाए सारे पैसे निकाल कर दे दूंगी, क्या करोगे तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारे कर्म है, बोली। बाद में तंबू नीलेश को गाँव के बाहर मौजूद एक खाली जगह पर ले गया। वहां छिपने के लिए एक पेड़ भी नहीं था। नीलेश चारों ओर देखकर, मैं यहाँ कैसे छिपूं, बोलो भाई, कहा तंबू तब। तुम छिप सकते हो भाई, तुम बहुत समझदार हो, पहले बेट तो लगाओ, कहा नीलेश उसे 50,000 रुपए दे देता है। तंबू घूमकर 1, 2, 3 कहकर गिनती करने लगा। नीलेश उस खाली जगह में घूमने लगा, कहाँ छिपना है कहकर उसे समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, माँ के पैसे अब गए सोचो, कहकर सोचने लगा। इतने में उसके पैर को कुछ लकड़ी के जैसे लगी। गौर करके देखा तो वहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा था। उसने तुरंत उस दरवाजे को खोला
उसके अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वहां मौजूद सीढ़ियां उतरकर अंडरग्राउंड के अंदर गया। वहां तीन कमरों के तीन बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे, उन पे तीन बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। जमीन पे तीन बड़े बड़े चाबियों के गुच्छे थे। उन्हें देखकर नीलेश आश्चर्य में पड़ गया। इतने में उसे एक आवाज, हे डिंबक, यहाँ जो भी आता है उसे इन तीन दरवाजों में से दो दरवाजों को जरूर खोलना होगा। इनमें से एक दरवाजे के अंदर अनगिनत पैसे हैं, दूसरे दरवाजे में बहुत सारा सोना है, तीसरे दरवाजे में एक बड़ा सांप है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो तुम जरूर पैसा और सोने का दरवाजा खोलोगे। अगर सांप का दरवाजा खोले तो वो तुम्हें झट से मिंगल जाएगा। अपना किस्मत आजमा कर देखो, तुम यहाँ से बचकर निकल नहीं सकते, कहकर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर नीलेश डर गया। ऊपर खाली जगह में तंबू इधर उधर देखते हुए, ये कहाँ गया है, सोचकर नीलेश को ढूंढने लगा। नीलेश अंडरग्राउंड में डरते डरते उन चाबियों के गुच्छे को उठाया और सीधे जाकर पहले दरवाजे को खोला। उस दरवाजे को खोलते ही उसमें नोटों की गड्डियां दिखाई दी। नीलेश अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। तब फिर से वो आवाज सुनाई दी, दूसरे दरवाजे में तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, ए डिंबक संभल कर रहना, कहा। नीलेश डरते हुए दूसरे दरवाजे के पास गया, उसे खोलते खोलते रुक गया। नहीं नहीं, तीन नंबर मेरा लकी नंबर है, इस दरवाजे को छोड़कर तीसरा दरवाजा खोलूंगा, जो होगा देखा जाएगा, सोचा। वो जाकर तीसरे दरवाजे का ताला खोला। दरवाजे को खोलते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के बक्से दिखाई दिए। उन्हें देखकर नीलेश की आंखें चमकने लगे। तंबू बाहर से, लगता है वह छिप नहीं पाने के कारण भाग गया है। मुझे 50,000 रुपए मिले ना, उससे अब मुझे कोई काम नहीं है, सोचकर चला गया। नीचे अंडरग्राउंड में दूसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर से एक बड़ा सांप बाहर आया। वो सांप तब, शाबाश डिंबक, जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया उसे तुमने करके दिखाया, उसके साथ साथ तुमने मुझे मुक्ति दिलवाई है, अब से तुम इन पैसों के साथ साथ समझदार बनकर खुशी से जियोगे, कहा। नीलेश उस सांप को नमस्कार किया। वो पैसे और सोना घर को लाकर जो बीता वो सब अपने माँ से बताया। माँ खुशी से भगवान का नमस्कार की। ऐसे वो लोग बहुत बड़े धनवान बने। नीलेश तंबू से गुंडागर्दी करने का काम छुड़वाकर अपने पास काम पे रख लिया। उसे अच्छी तनख्वाह भी देने लगा, मगर तंबू को ये सब कैसे हुआ समझ नहीं आया।